चिन्योच में ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह की तकरीब सियासी जलसा बनी रही। वजीरे पानी और बिजली ने ऑपोजिशन पर नश्तर बरसाए। तकरीब के लिए सोफे कुर्सियां शामियाने खैराते पहुंचाने के लिए भी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की गई। वापडा मुलाजमीन और अफसर खुद सामान फेस्को ट्रकों पर रखवाते रहे। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे वसीम अहमद से। वसीम अहमद बताइएगा पहले तो ये क्या सियासी जलसा था या फिर फेस्को की कोई तकरीब थी? जी आज फेस्को की तकरीब थी जिसमें आज चनाब नगर के ग्रिड स्टेशन जो कि 132 केवी के ग्रिड स्टेशन का आज इफ्तिताह किया गया है। इस तकरीब के अंदर जितने भी इंतजाम किए गए थे, जो टेंट वगैरह लगाए गए थे, शेयर थी, वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ फेस्को का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन मफादात के पेश नजर या किस तरह ये जो सारा सामान था जो कि एक निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो फेस्को के जो अपने ट्रक थे जो कि ट्रांसफार्मर और दीगर अशिया जो है वो लोड अनलोड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन ट्रकों को इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जितने भी इंप्लॉयज थे जो सारा काम किया था इस तकरीब के लिए और इसकी जो शामियाने वगैरह लगाए गए थे वो भी जो फेस्को के मुलाजमीन थे उन्होंने खुद ही लगाए थे, और कोई भी इसमें जो निजी कंपनी थी उसके किसी मुलाजम ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया। और तमाम वसीम अहमद बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।